त्योहार का मौसम एकदम से मातम में बदल गया। हुआ ये कि क्रिसमस से पहले आए बर्फीले तूफान ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। इस बर्फीले तूफान ने अमेरिका, कनाडा और जापान में दर्जनों लोगों की जान ले ली। अभी तक अमेरिका में 34 लोगों के मरे जाने की खबर है और ये आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो शहर में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कनाडा में इस बर्फीले तूफान के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में इस तूफान की वजह से 2 से 2.5 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। इस बर्फीले तूफान की वजह से लाखों लोग मुसीबत में फंस गए हैं। इन मुश्किल हालातों को देखते हुए फ्लाइट्स और ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, नॉर्थ अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतना बर्फीला तूफान आया है। इस बर्फीले तूफान ने बफेलो इलाके का सबसे ज्यादा बुरा हाल किया है। इससे पहले कभी भी बफेलो में ऐसा बर्फीला तूफान नहीं आया है। अभी तक बर्फीले तूफान के कारण 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जहां 0 डिग्री से नीचे ठंड का पारा भी पहुंच चुका है। वहां के सिक्योरिटी ने भी सभी को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। अमेरिका के कुछ इलाकों में तो घर के अंदर भी बर्फ जम गई है। बर्फ और धुंध के चलते रोड पर गाड़ियों से एक्सीडेंट की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कनाडा की बात करें तो बर्फ ने वहां भी लोगों का बुरा हाल कर दिया है। बर्फीले तूफानों के चलते लोग एयरपोर्ट पर सोने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुछ लोगों की अपनी घर की छतों से बर्फ हटाते समय फिसलने से मौत भी हो गई।